हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। सब्सक्राइब करें टेकी किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस और पिक्सा ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स के सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो हे गाइस, आप देख रहे हैं टेके किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल का, मासल्फ अभिनव चौधरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं वापस आ गया हूँ आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है गाइज हमारा रेडमी नोट 7 प्रो। और गाइज, हमारे इस फ़ोन में एक नया अपडेट आया है MIUI का, जो कि है MIUI 11.0.8.0, जो कि स्टेबल वर्जन का अपडेट है। और इसकी साइज़ की बात करो तो गाइज, साइज़ आप देख सकते हैं, जो कि है 597 MB की। तो गाइज, चलिए इस अपडेट को मैं इंस्टॉल करता हूँ, फिर गाइज मैं आपको बताता हूँ कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद हमारे रेडमी नोट 7 प्रो में कौन कौन से नए सेटिंग्स, नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या हमें एंड्रॉयड 10 मिलेगा। जी हाँ गाइज, वो सारे डाउट्स गाइज आज मैं आपके क्लियर कर दूंगा। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए, ताकि गाइज आपको पता चल जाएगा कि इस अपडेट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइज, जैसे कि आप हाईलाइट्स पढ़ सकते हैं, आपको बताया गया है कि आपका एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट मिलेगा, जो कि फरवरी 2020 का है। और साथ साथ सिस्टम सिक्योरिटी को भी इंक्रीज किया गया है। और गाइज, इसके साथ साथ कुछ और भी अपडेट्स हमें इस अपडेट में देखने को मिलते हैं, जो कि गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं। तो गाइज, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि इस अपडेट में हमें क्या क्या मिलता है, क्या हमें एंड्रॉयड 10 मिलेगा, या हमें कौन कौन से सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। तो गाइज़, मैंने इस अपडेट को इंस्टॉल कर दिया है हमारे अपने इस रेडमी नोट 7 प्रो के फ़ोन में। तो गाइज, अब हमारा फ़ोन पावर ऑन हो रहा है, फिर गाइज मैं आपको बताऊंगा इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके अपने रेडमी नोट 7 प्रो में कौन कौन से नए फीचर्स, नए सेटिंग्स और नया चीज़ देखने को आपको मिलता है, या कौन कौन से बग फिक्स हो गए हैं। तो गाइज, वो सारी जानकारी गाइज मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। तो गाइज, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा बिना स्किप किए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ़ोन के स्क्रीन पे गाइज, आपको कुछ इस टाइप का बूट एनिमेशन देखने को मिल रहा है, जो कि रेडमी नोट 7 प्रो प्रो थोड़ा सा हाईलाइटेड वर्ड्स में लिखा हुआ है और थोड़े से बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो गाइज, हमारा फ़ोन पावर ऑन हो चुका है और गाइज हमने उस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है। तो गाइज, चले चलते हैं अबाउट फोन के अंदर और गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद हमारे फ़ोन में कौन कौन से नए चेंजेस आए हैं। तो गाइज, अबाउट फोन में चलने का, तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा डिवाइस नेम है रेडमी नोट 7 प्रो, मॉडल नंबर देख सकते हैं रेडमी नोट 7 प्रो। और गाइज, हमारा MIUI वर्जन है, जो कि आप देख पा रहे हैं 11.0.8.0। जी हाँ गाइज, हमारा MIUI वर्जन अब हो गया है 11.0.8.0। और हमारा एंड्रॉइड वर्जन गाइज अभी भी 9 है। जैसे ही गाइज आपको पता होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आपको देखने को मिल रहे होंगे कि आपको रेडमी नोट 7 प्रो में एंड्रॉइड 10 का अपडेट मिला है। तो गाइज, ऐसा नहीं है, आपको अभी सिर्फ अपने रेडमी नोट 7 प्रो में एंड्रॉइड 9 का ही अपडेट आपको मिला है। आपका रेडमी नोट 7 प्रो अभी भी एंड्रॉइड 9 पे है। 10 के अपडेट के लिए गाइज हमें थोड़ा सा और वेट करना होगा, नेक्स्ट टाइम MIUI वर्जन में गाइज हमें मिलेगा एंड्रॉइड का वर्जन 10। तो गाइज, अगर आपको जानना है कि आपको कब मिलेगा एंड्रॉइड वर्जन 10, तो उसका गाइज उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बगल में जो बेल आइकन है गाइज उसे प्रेस करना होगा, ताकि गाइज हमारे चैनल पे आपको गाइज सबसे पहले वो वीडियो मिल जाएगी। और एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच के लेवल की बात करो तो गाइज आप देख पा रहे हैं ये हो गया है 1 फरवरी 2020। जी हाँ गाइज, हमें फरवरी का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट मिला है देखने को, जो कि गाइज आप देख पा रहे हैं न्यू में। तो गाइज, व्हाट्सएप में वहाँ पे गाइज हमें बताया गया था बस कि हमें एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच को अपडेट कर दिया गया है फरवरी 2020 तक और सिस्टम सिक्योरिटी को इंक्रीज किया गया है। तो अब गाइज, चले मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस अपडेट को शो करने के बाद कौन कौन से नए सेटिंग देखने को मिलते हैं। तो गाइज, उसके लिए गाइज हमें आना है अपने सेटिंग के ऑप्शन में। और गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको ले चलूँ होम स्क्रीन के ऑप्शन में। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि गाइज अभी खुल नहीं रहा है। तो गाइज, ऐप ड्रॉअर के ऑप्शन के ऊपर आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जो कि गाइज आपको होम स्क्रीन का देखने को मिल रहा है। तो गाइज, इस होम स्क्रीन के ऑप्शन में जाने के बाद गाइज आप देख सकते हैं कि आपको ऐप ड्रॉअर मिल चुका है, ऐप ड्रॉअर देखने को मिल रहा है। जब आप इसे इनेबल करेंगे, उससे पहले गाइज मैं आपको दिखा दूं, तो गाइज अभी हमारा फोन का ऐप ड्रॉअर ऐसा है, जो कि गाइज आप देख सकते हैं। और इसे इनेबल करने के बाद गाइज मैं आपको दिखा दूं, तो चलिए गाइज इसे इनेबल कर देते हैं, फिर गाइज मैं आपको दिखाता हूं। आपको गाइज होम पे जाना है और गाइज आपका फोन थोड़ा सा स्लो होगा, फिर गाइज ये अपने आपको स्टेबल मोड में ले आएगा। तो गाइज अभी हम होम में आ चुके हैं, तो गाइज हमें थोड़ा देर वेट करना होगा, फिर गाइज मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं, अब हमारे रेडमी नोट 7 प्रो के होम से सारे ऐप्स गायब हो चुके हैं। और ये सारे ऐप्स कहाँ चले गए हैं, तो गाइज ये ऐप ड्रॉअर के अंदर चले गए हैं। जी हाँ गाइज, बूम, आप देख पा रहे हैं कि आपका रेडमी नोट 7 प्रो में गाइज आपको देखने को मिल गया है ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन, जो कि गाइज आप देख सकते हैं। तो गाइज, इस तरह से आपको ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन देखने को मिलता है अपने इस रेडमी नोट 7 प्रो में। और गाइज, इसमें कुछ और भी फीचर्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि गाइज सब ऐप्स को कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। जैसे गाइज आप देख पा रहे हैं, कम्युनिकेशन है, इंटरटेनमेंट है, फोटोग्राफी है,
टूल्स है, न्यूज़ एंड रीडिंग्स है, शॉपिंग्स है, गेम्स, लाइफस्टाइल, फाइनेंस, बिजनेस, इस तरह से करके गाइज इन सारे ऐप्स को कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, जो कि गाइज आप देख पा रहे हैं। और गाइज इसे आप मैनेज भी कर सकते हैं, आपको ऊपर वाले इस 3 लाइंस पे क्लिक करना है, फिर गाइज आप देख सकते हैं ऐप स्टेशन आपको दिया गया है, डिस्प्ले मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऐप्स इन द ड्रॉअर, आप इस तरह भी इसे इनेबल रख सकते हैं तो डिसेबल कर सकते हैं, मैनेज ऐप कैटेगरीज को आप ऑफ कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे ऐप्स एक ही कैटेगरी में दिखाए तो गाइज यहां से आप इसे ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद गाइज आपके सारे ऐप्स आपको एक ही कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। और यहां से गाइज आप एक और कैटेगरी क्रिएट भी कर सकते हैं जिसमें कि गाइज अपने आप मनपसंदीदा ऐप को रख सकते हैं। फिर गाइज बैकग्राउंड सिस्टम का भी आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड में आपको इसमें मिला गया है ऐप, बैकग्राउंड के आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप डार्क कलर रख सकते हैं, लाइट कलर रख सकते हैं या सिस्टम कलर रख सकते हैं। और ऐप ड्रॉअर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी भी आपको देखने को मिलता है, अगर आप इसे फुल कर देंगे तो गाइज आपके इस ऐप ड्रॉअर के बैकग्राउंड का पूरा ट्रांसपेरेंट वर्जन आपको देखने को मिलेगा, जो कि गाइज आप देख सकते हैं। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो फिर गाइज आप देख सकते हैं आपका ऐप ड्रॉअर आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, जो कि आपके फोन के बैकग्राउंड वॉलपेपर के साथ ट्रांसपेरेंट वर्जन की तरह काम करेगा, जो कि गाइज आप देख पा रहे हैं। इसे चाहे तो गाइज आप ब्लैक में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि गाइज आप देख पा रहे हैं, ब्लैक में अप्लाई करेंगे तो गाइज आपको इस टाइप का फीडबैक देखने को मिलेगा अपने फोन में, और स्क्रॉल बार का भी आपको देखने को ऑप्शन मिल जाता है। स्क्रॉल बार आपको ओरिजिनल लेआउट अभी चुना हुआ है, आप A to Z रख सकते हैं, उसके इसे इनेबल करने के बाद आपको अपने सारे ऐप्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखने को मिलेंगे, तो गाइज आप चाहे तो इसे भी इनेबल कर सकते हैं। और गाइज जैसे कि गाइज आपको और भी बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे जिसमें गाइज आपको बोला गया है कि आपके रेडमी नोट 7 प्रो में आपको अल्ट्रा पावर सेविंग का मोड मिला है देखने को, तो गाइज वैसी कोई बात नहीं है, आपको अभी तक इसमें कोई भी अल्ट्रा पावर सेवर का मोड नहीं मिला है, आपको अभी भी इसमें सिर्फ जनरल बैटरी सेवर का मोड देखने को मिलता है, जो कि गाइज आप देख पा रहे हैं। मेरे ख्याल से अल्ट्रा पावर सेवर मोड आपको मिलेगा अपने एंड्रॉयड 10 में, जी हाँ गाइज आपको एंड्रॉयड 10 का वेट करना होगा, तभी गाइज आपको अल्ट्रा पावर सेव मोड मिल पाएगा। और गाइज गेम बूस्टर में भी हमें कुछ नए अपडेट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि गाइज हम गेम टर्बो में जाएंगे तो गाइज आप देख सकते हैं बूम गाइज आपका गेम टर्बो का लुक पूरा चेंज हो चुका है, जी हाँ गाइज आप देख सकते हैं आपके गेम टर्बो का लुक पूरा चेंज हो चुका है आप, जो कि गाइज देख पा रहे हैं एकदम आर्टिफिशियल सा लुक आपको दिया गया है अपने इस गेम टर्बो का, जो कि गाइज आप देख पा रहे हैं। एक बार हम गेम को ओपन करके भी चेक कर लेते हैं कि हमें नया गेम टर्बो स्पीड बूस्टर का यहाँ भी कुछ नोटिफिकेशन मिला है या नहीं, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जैसा पहले आपको देखने को मिलता था व्यू, तो गाइज आपको वैसा ही व्यू देखने को अभी भी मिल रहा है अपने इस गेम स्पीड बूस्टर का। कुछ इसमें और सेटिंग्स ऐड किए गए हैं, जो कि गाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपको सेटिंग्स अप्लाई करने का ऑप्शन मिल रहा है देखने को, यहाँ पे भी आपको कुछ ऐप्स ऐड कर दिए गए हैं, जो कि आप ऐप्स यहाँ से डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट गेम स्पीड बूस्टर के यूज होते हुए। और आपको CPU, GPU और FPS फ्रेम पर सेकंड का भी आपको मीटर ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि गाइज आप देख पा रहे हैं। तो गाइज नेक्स्ट नंबर आप देख सकते हैं जो कि क्विक रिप्लाइज का है, जो कि गाइज शायद हमें पहले से भी मिला हुआ था, तो गाइज अगर आप चाहते हैं तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसमें आपको क्विक रिप्लाइज करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि आप व्हाट्सएप, वी चैट और भी बहुत सारे सोशल साइट्स या प्लेटफॉर्म से आप इसे यूज कर सकते हैं, या आप चाहे तो मैसेजिंग में भी इसका यूज ले सकते हैं। सेकंड स्पेस का गाइज हमें मिलता है तो गाइज आपको पता है, और गाइज मैं आपको फीचर्स बता दूं तो गाइज डिजिटल वेलबिंग तो गाइज हमें पहले से ही मिला था, तो गाइज इसकी मदद से आप नोटिस कर सकते हैं कि आप कौन से ऐप्स पे ज्यादा समय देते हैं। और गाइज जो अपडेट्स आप देख पा रहे हैं हमारे रेडमी नोट 7 प्रो पे मिला है, तो गाइज ये अपडेट जल्द ही आपको अपने रेडमी नोट 6 प्रो डिवाइस पे भी देखने को मिलेगा। जैसे ही गाइज रेडमी नोट 6 प्रो के डिवाइस पे अपडेट आएगा गाइज मैं आपको उस पर एक वीडियो बना के दे दूंगा हमारे चैनल पे, उसके लिए गाइज आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक शेयर करके रखना है, और बगल में जो बेल आइकन उसे भी गाइज आपको प्रेस कर देना है ताकि हमारे तरफ से जो भी नई वीडियोज आए वो सबसे पहले आपको मिले। और गाइज ये सेम अपडेट्स आपको पोको डिवाइसेस पे भी देखने को मिलेगा, तो गाइज आप अपने पोको डिवाइसेस में चेक कर सकते हैं, आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा, आपको वहां भी ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन देखने को मिल चुका होगा। इस अपडेट को शो करने के बाद आपको उसमें भी कुछ कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। और गाइज बाकी सारे जो भी फीचर्स हमें अभी नहीं मिले हैं रेडमी नोट 7 प्रो में, वो गाइज फीचर हमें जल्द ही मिल जाएंगे हमारे एंड्रॉयड 10 के अपडेट के साथ। जी हाँ गाइज जल्द ही हमारे रेडमी नोट 7 प्रो में एंड्रॉयड 10 का अपडेट आने वाला है, तो गाइज उस अपडेट के आते ही हमें कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। होम स्क्रीन में गाइज मैंने आपको दिखा दिया कि आपको ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन मिल चुका है, तो गाइज आप उसे आप यूज कर सकते हैं अपने इस होम स्क्रीन के ऑप्शन में आके, या आप चाहे तो अपने फोन के
मेन स्क्रीन से भी उसे यूज कर सकते हैं। और गाइज वॉलपेपर क्राउजल्स का जो हमें ऑप्शन मिलता था गाइज उसे चेंज कर दिया गया है ग्लांस फॉर एमआईजी है गाइज, आप देख सकते हैं इसे चेंज कर दिया गया, रिनेम कर दिया गया है इसे ग्लांस फॉर एमआई के नाम से, जो कि आप अंदर जाएंगे तो गाइज आपको देखने को मिलेगा वॉलपेपर क्राउजल्स। और बाकी आपको गाइज वही सारे फीचर देखने को मिलते हैं, लॉक स्क्रीन फॉर्मेट पे भी गाइज वही सारे क्लॉक्स के फॉर्मेट आपको देखने को मिल रहे हैं, पॉकेट मोड आपको मिल रहा है। और गाइज एक और नया अपडेट आपको देखने को मिल रहा है अपने इस Redmi Note 7 Pro में, जो कि गाइज आप देख सकते हैं कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर गाइज आपको वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल गया है। जी हाँ गाइज, अब अपने आप इस Redmi Note 7 Pro को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिस्प्ले के साथ वाईफाई की मदद से। जी हाँ गाइज, ये आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि आपको नीचे देखने को मिल रहा है वायरलेस डिस्प्ले। अगर आप इसे ऑन करेंगे तो गाइज आप देख सकते हैं आपके फोन में ऑप्शन आ गया है वायरलेस डिस्प्ले का। और गाइज अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो वाईफाई की मदद से आप अपने इस फोन को किसी भी बड़े डिस्प्ले से कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। कास्ट का सेटिंग गाइज आपको अलग से देखने को मिला है, ये गाइज अलग से एक नया सेटिंग आपको देखने को मिलता है अपने इस Redmi Note 7 Pro में, इसकी मदद से आप अपने किसी भी डिस्प्ले से कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई की मदद से अपने इस Redmi Note 7 Pro को। तो फ्रेंड्स यही था अपडेट हमारे इस Redmi Note 7 Pro का। तो गाइज मैंने आपको बता दिया कि आपको इसमें कौन कौन से नए सेटिंग्स नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। और गाइज बग्स की बात करूँ तो गाइज बग्स के बारे में गाइज मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, आपको अगर जानना है कि सभी इंस्टॉल करने के बाद आपको कौन कौन से बग्स देखने को मिलते हैं तो गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और गाइज हमारे हर वीडियोस को लाइक शेयर करें और बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस करें। और गाइज हमारे कम्युनिटी टैब पे आप विजिट करते रहे, वहां पे हम गाइज पोस्ट करेंगे जब भी हमें कोई बग देखने को मिलेगा हमारे Redmi Note 7 Pro में। और गाइज मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें कि गाइज मैंने Redmi Note 7 Pro का आफ्टर 60 डेज रिव्यू दिया है, जिसमें कि गाइज मैंने आपको Redmi Note 7 Pro के मेजर बग्स बताए हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में आपको उस वीडियो में बताया है। तो गाइज अगर आप भी अगर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो गाइज आप उस वीडियो को इंस्टाग्राम ट्विटर जो भी सोशल साइट्स आप यूज करते हैं उस पर आप पोस्ट करें और Xiaomi और Redmi कंपनी वालों को टैग करें ताकि वो उस प्रॉब्लम को नोटिस करे और फेस करके देखे कि ये प्रॉब्लम फेस करने के बाद उनके यूजर्स को कैसा लगता है, तभी गाइज हमारे इस प्रॉब्लम का समाधान हो पाएगा। तो गाइज अगर आपको भी अपने Redmi Note 7 Pro में वो सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं तो गाइज आप उस वीडियो को एक बार जाके चेक करें और उस वीडियो को शेयर करें अपने सारे सोशल साइट्स पे और Xiaomi Redmi कंपनी वालों को टैग करें ताकि हमारे प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉल्व हो पाए Xiaomi और Redmi कंपनी वालों के द्वारा। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो गाइज आपको वीडियो पसंद आया तो गाइज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।